कि जो ये मोबाइल पर रोक लगाने की बात हो रही है, मोबाइल आज के जमाने में अभिन्न अंग हो गया है, सोशल मीडिया हम लोगों से जुड़ा है, ये आप नियंत्रण रखें यहाँ पर कि यहाँ पर मोबाइल लोग ना यूज करें, लेकिन लाने पे रोक लगाना ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। मान्यवर, इस पे एक मेरा यही सुझाव था और बहुत अच्छे इसमें है और मुझे विश्वास है कि सबके सुझाव मानते हुए उसके पास भी घंटी तो बजती है ना। जी मान्यवर, उसके पास भी घंटी बजती है, अगर हाउस में अंतर्गत घंटी उसके बाद भी बजी ना, उसके कहने के नहीं, उसके कहने के बाद भी बजी ना घंटी, उसके लिए कौन जिम्मेवार? देखिए, विषय किसी एक व्यक्ति का नहीं है जी, ये विषय पूरी विधायिका का और सबका है। विषय किसी व्यक्ति को ना लाने का कोई ये इशू नहीं है कि किसी को परेशान करना, लेकिन जो मना करने के बाद भी घंटी बजी कि नहीं बजी, लेकिन ये नहीं, उसके ऊपर बजी के बाद नहीं होता। एक देखिए, एक गलती जो आज से 30 वर्ष पहले हुई हो उसको भी आज जनता कोर्ट करती है कि विधानसभा में ये हुआ, 30 साल पहले की होती हुआ ना। अभी भी लोग कहते हैं कि माइक फेंकेंगे, कब फेंकेंगे, थे किन परिस्थितियों में फेंकेंगे, तभी बोलते नहीं निकलते नहीं कोई, प्लीज आपस में डिबेट नहीं, अगर आप इतने सीरियस मामले में भी अगर आप नियमावली पर आपस में बात करेंगे गलत बात है। नहीं, आप हमेशा बोलते हो, तो आप अपने मुंह के ऊपर थोड़ा ताला लगाइए, जरूरी थोड़ी है विषय के ऊपर इधर बात कर रहा हूं आप उधर बात कर रहे हैं, आपकी आवाजें सुनाई पड़ रही। जैसे जिस विधायक का किसी का हो, तो हमारा किसी भी माननीय सदस्य का जी कतई एक सेकंड भी इस प्रकार का भाव नहीं है कि उनको कोई असुविधा हो, लेकिन विधानसभा अच्छी तरीके से चले ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सिर्फ मेरी नहीं है। अगर विधानसभा चलाने की सिर्फ मेरी जिम्मेवारी हो तो मैं यहां पर नहीं बैठा हूं, सबकी जिम्मेवारी, सब उनके सबकी बराबर से जिम्मेवारी है, मेरे से ज्यादा और ज्यादा आपसे ज्यादा, मेरी मेरे से ज्यादा आपकी सबकी जिम्मेवारी, तो इसीलिए उसमें इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन आगे हमारे को भी देखिए, एक व्यक्ति, मैंने अपने पहले मेडन भाषण में बोला था जब मैं पहली बार चुना गया, एक व्यक्ति के जहां कुछ किया, दो व्यक्तियों ने यहां पर अपने कपड़े उतारे, तो जनता के बीच में दो व्यक्तियों के कपड़े नहीं उतरे, पूरे विधानसभा के 403 सदस्यों के कपड़े उतरे। तो एक भी बात अगर गलत होती है तो उसका संदेश पूरी जनता में सबके लिए जाता है, इस बात को भी हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि विधायक देखिए, जिस प्रकार से ये सत्र चल रहे हैं, पिछला सत्र चला, ये सत्र चला, पिछले 5वां सत्र है, ये बहुत अच्छा है, सभी की तरफ से, माननीय प्रतिपक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग किया गया और सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी करके आएगी, सरकार ने पूरा उसका जवाब दिया। तो इस प्रकार के डिबेट, वाद विवाद, ये होना लोकतंत्र को मजबूत करने का विषय होता है, उसी मजबूती के कारण, इसीलिए मैंने जिस समय ये बोला कि सब लोग बोलेंगे, पहले मैंने बोला ये नियमावली में कोई अगर परिवर्तन लाया गया तो सबके हित के लिए, हम सब लोग जिस उद्देश्य के साथ यहां पर चुनकर आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो केवल एक उद्देश्य है कि कैसे हम अपने क्षेत्र की जनता का भला कर सकें, कैसे हम शहर का भला कर सकें, कैसे हम प्रदेश का भला कर सकें, तो अल्टीमेटली हम सब प्रदेश का भला करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आपका सुझाव है उसको